मसाले हैं, ये हल्दी है, ये पिसी हुई, ये सौंफ है, ये दालचीनी है, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। ये उन्होंने ये फिर एक बास्केट देखे कितनी खूबसूरत तैयार की हुई है, जिसमें तकरीबन सारे फल उन्होंने रख दिए हैं कि अगर आप किसी महफल में किसी के यहाँ जाते हैं, कोई मेहमान आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप ये पूरा बकेट जो है वो वहाँ पे रखा। ये इतनी बड़ी होती है, मैं आपको हर जगह दिखाता हूँ, ये उज़्बेकिस्तान में भी, किर्गिस्तान में भी और ताजिकिस्तान में भी, ये हर जगह। अस्सलामुअलैकुम, ज़बीहुल्लाह बलगन, मैं ताजिकिस्तान के दारुल खिलाफा दुशंबे से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज दुशंबे में आया हुआ हूँ और मैं आपको यहाँ का मेहरगान बाज़ार, ये बहुत फेमस बाज़ार है, यहाँ पे पूरे दुशंबे से लोग अपनी चीज़ें ख़रीदने के लिए आते हैं। ये होलसेल मार्केट भी आप इसको कह सकते हैं। और अभी चूँकि असर के बाद का वक़्त है, मगरब का टाइम होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर उतना रश शायद आपको ना दिखे, लेकिन यहाँ पे तो आमतौर पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, इतना ज़्यादा रश होता है। तो आइए मैं आपको आज ही समरकंद के बाज़ार भी मैंने आपको दिखाए हैं। तो मैं ऐसे जो कुछ चीज़ें होती हैं, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कौन कौन सी हैं, जैसे बाज़ार का पता होना चाहिए, मस्जिदों का पता होना चाहिए, शाहराहों का पता होना चाहिए। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जो व्यूज हैं उनको ये चीज़ें सुन सकूँ। हैं ये आपका इस्तेमाल करते हैं, ये पूरे सेंट्रल एशिया में ऐसे मसाला जात हैं। ज़रा करीब है ना जी, ये देखें, ये मसाले हैं, ये हल्दी है, ये पिसी हुई, ये सौंफ है, ये दालचीनी है, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं ये इन्होंने यहाँ बना रखी हैं। इधर हमें ये ड्राई फ्रूट नज़र आ रहा है, ये ड्राई फ्रूट है, ये चूँकि होलसेल मार्केट है और यहाँ पे ये चीज़ें बहुत सस्ती हैं। बाहर अगर हम दुशंबे शहर में किसी मॉल से ये चीज़ें खरीदते हैं तो वो चीज़ें बहुत महंगी पड़ जाती हैं। अभी उस तरफ मैं आपको फल दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये इतना कुछ देख कर के तो ये अपना ही दिल खाने को करने लग जाता है। ये आप देखिए, ये तकरीबन सारे फल यहाँ पर मौजूद हैं, अनानास भी यहाँ पर मौजूद है, सेब हैं, नाशपाती, अंगूर, और इवन के ये देखिए मैंगो भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि ये आम यहाँ पर नहीं होता, लेकिन मैंगो यहाँ पर मौजूद है, नाशपाती है, अनार है, संतरा है, और ये आप देख रहे हैं, ये फिर एक बास्केट देखिए कितनी खूबसूरत तैयार की हुई है, जिसमें तकरीबन सारे फल उन्होंने रख दिए हैं कि अगर आप किसी महफल में किसी के यहाँ जाते हैं, कोई मेहमान आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप ये पूरा बकेट जो है वो वहाँ पर रख सकते हैं। अभी आप ये देखिए कि आपको ये लीची भी नज़र आ रही है, जापानी फल भी नज़र आ रहा है, आड़ू भी नज़र आ रहा है, अनबिलीवेबल यार, जून फलों का कोई मौसम ही नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, अनबिलीवेबल। किन्नो ऑरेंज देखिए, ऑरेंज और मैंगो का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखेंगे एक तरफ ऑरेंज भी मौजूद है और मैंगो भी मौजूद है, ऑरेंज भी मौजूद है, तरबूज भी मौजूद है, यानी कि ये कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है इनका। ये देखें, तरबूज भी है और ऑरेंज भी है, आलू बुखारा भी है, यानी कि गर्मी के जो फल हैं वो भी मौजूद हैं, जो सर्दी के फल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम भूल जब पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। और ये देखें स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये भी हालांकि ये आमतौर पर गर्मियों में होती हैं। फल हैं, अब मैं आपको सब्जियाँ दिखाऊंगा, ये आपको जो है वो सब्जियाँ नज़र आ रही हैं,
ये खीरे हैं, टमाटर हैं, ये बंद गोभी है इवन के, और ये बड़ी बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा सब्जियां हैं। ये बिल्कुल ऐसे, ये देखिए ये पालक है, ये आप देख रहे हैं, और ये इसी तरह से बिल्कुल ताज़ा प्याज है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आज या कल ही ये खेतों से आया होगा। सब्ज़ मिर्च है, बैंगन है, इवन के पुदीना है, यानी कि ताजिकिस्तान में आप ये पुदीना से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ये सब्ज़ मिर्च है, लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी मिर्च है, ये ना लहसुन है, ये सारी चीज़ें हैं। इतनी बड़ी मार्केट में आपको होल सेल रेट पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपने एक चीज़ को नोटिस नहीं किया, हम वीडियो बना रहे थे और वो जो ख़वातीन जो वहाँ पर बेचने वाली थी वो अपने चेहरों को छुपा रही थी। ये यहाँ का कल्चर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जितनी भी औरतों को आपने देखा है उन्होंने स्कार्फ लिया हुआ है, तो ये इनका कल्चर है कि ये अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करवाते। ख़वातीन ज़रा पीछे बिहाइंड ऑफ ज़रा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होल सेल में मिलती है, यानी आपको होल सेल रेट पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर ऊपर जाएँ तो शायद अलग है, ऊपर आपको कपड़ों की दुकान है, जूतों की शॉप्स मिल जाती हैं, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपको ऊपर मिलती हैं। तो आइए वो देखिए, जो कुछ भी आपको नजर आ रहे हैं ये सब होल सेल रेट पर आपको यहाँ से मिलेगा। ये और आपको बता सकते हैं ताज़ा सब्जियाँ हैं, और ये पनीर है, मक्खन है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। ये आपको नजर आ रही पनीर, मक्खन, ये सब चीज़ें हैं। और ये रोटी तो मैंने आपको हर जगह दिखाई है, जहाँ भी गया। मैंने किर्गिस्तान में भी आपको बताया था कि ये जो कहवा होता है ये देखिए कितनी किस्म का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14, 14, 28 और तकरीबन इसी तरह 14 इधर है। 42 किस्म का, यानी कि 42 किस्म का कहवा आपको एक शॉप पर नज़र आ रहा है। अब आप हैरान होंगे कि ये 42 किस्म का जो कहवा है इसकी क्या अफादियत हो सकती है या फ़र्क हो सकता है, लेकिन फ़र्क है। यानी हर कहवे की अलग से तासीर है। अगर आप अपने स्टमक के लिए लेना चाहते हैं तो ये अलग कहवा लेना पड़ेगा, अगर जिगर के लिए लेना है तो वो अलग लेना है, आँखों की बिनाई के लिए अलग। ये किसी बशकीक के अंदर तो मैंने देखा था प्रॉपर जो है वो मेडिकल स्टोर बने हुए हैं इन कैबों के, कि हर कैबे का जायका अलग है, हर कैबे की तासीर अलग है। तो लिहाजा हम लोग तो पीते हैं ना, चाय पीते हैं, लिप्टन चाय, काली चाय, उसमें अंदर दूध डाल देते हैं, यानी कि ना वो चाय रहती है ना वो दूध रहता है, उसका बेड़ा ही गर्क होता है। लेकिन ये प्योर चीज़ पीते हैं, और यही वजह है कि आप यहाँ के लोगों के कद काट देखें, इनकी खूबसूरती देखें।
क्यों जी, हमारा ये आज का जो विजिट है बाजार का मुकम्मल हो गया है। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपका बहुत शुक्रिया।